कादर खान के चले जाने से इस वक्त पूरा बॉलीवुड और उनके फैंस सदमे में हैं। वहीं इसी बीच मिथुन चक्रवर्ती को लेकर ये खबरें आ रही हैं कि मिथुन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। चलिए आपको बताते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती को क्या हुआ है और उनकी हालत फिलहाल कैसी है। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती को कुछ दिनों पहले गंभीर बैक पेन हो गई थी, जिसके बाद उन्हें यूएस के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिथुन चक्रवर्ती लॉस एंजलिस के हॉस्पिटल में भर्ती थे और लगभग 4 दिनों तक वहां पर एडमिट रहे। वहीं मिथुन चक्रवर्ती की हालत में सुधार आ रहा है और उनकी बैक पेन फिलहाल के लिए ठीक है। आपको बता दें कि साल 2009 में फिल्म लक में काम करते हुए मिथुन चक्रवर्ती को एक स्टंट करना था, जिसमें उन्होंने हेलीकॉप्टर से कूदने का स्टंट किया भी था। इसी स्टंट के दौरान मिथुन को बैक इंजरी हो गई थी और साल 2009 से ही ये बैक इंजरी मिथुन को काफी परेशान कर रही है। मिथुन की बढ़ती उम्र के साथ साथ ये बैक इंजरी मिथुन के लिए मुसीबत बनती जा रही है। फिलहाल मिथुन लॉस एंजलिस में ही हैं और डॉक्टर्स की सुपरविजन में हैं। मिथुन के साथ उनके बेटे महाक्षय चक्रवर्ती और बहू मदालसा शर्मा भी हैं। लेकिन अंत में हम फैंस से इतना ही कहेंगे कि घबराने की कोई बात नहीं है, मिथुन की हालत में सुधार आ रहा है और कहते हैं कि दवा से ज्यादा दुआ काम करती है। इसीलिए आप मिथुन की पूरे तरीके से ठीक होने की दुआ कीजिए। फाइनल कट न्यूज़ डेस्क।